सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन है कि आप हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाले आप है पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वासें दी, और परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और अपने जीवन भर के जो कार्य हैं, दिन भर के जो हमारे कार्य हैं, उसे हम कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें कि पिता, हम जानते हैं कि आप हमें हर एक प्रकार के संकट में आप मेरी सहायता करने वाले हैं, आप मेरी मदद करने वाले हैं। आज हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है परमेश्वर। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, संसार के लोग आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना करना है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बीच में प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि आपकी इच्छा नहीं कहती प्रार्थना करने के लिए तो मत करिए, लेकिन प्रार्थना को बीच में छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है और परमेश्वर हमें संभालता है। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हमें कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए, उसके वचन को कभी भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये तेरी इच्छा कहती है तो मुझसे प्रार्थना कर, नहीं कहती है तो परमेश्वर आपसे जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहता है। इसीलिए आज हम वचन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 69 और वचन नंबर 1 में लिखा है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने, जो आज बिस्तर से उठे हुए या फिर लेटे हुए हैं, या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज खुदावंद आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए लिखा है मेरे प्रियो, एक में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से क्या कहना है, आज हम अनेक प्रकार की समस्याओं में डूबे जाते हैं। आज मेरे घर में चिंता है, मेरे घर में मुसीबत है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है मेरे प्यों, तो वो आपके जीवन में है, तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि पिता, आज मेरे जीवन में मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका लड़का हूँ। तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते हैं, मैं गहरे जल में आ गया और सारा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धारा में डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, ये आपके लिए वचन बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी वचन आपके लिए है, क्योंकि राजा दाऊद ने इस वचन के द्वारा बहुत सारे काम किए थे। तो आज हम भी अपने जीवन में काम कर सकते हैं, आज हम भी अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को बता करके, चिंताओं को बता करके, मुसीबतों को बता करके हम परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है, वो हमें ताकत देने वाला है, वो हमें आजादी देने वाला है, वो हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से आज चाहे आपके परिवार में झगड़े होते हो, बेटी या बेटों के जीवन में, भाई बहन के, या परिवार, या माता पिता भाई बहनों, या फिर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं,
तो परमेश्वर उसे दूर करने जा रहा है, उसे आजाद करने जा रहा है। लेकिन आप इस वचन को अंत तक, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए कि खुदावंद आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बरकत देता है, आशीष देता है, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा? आप भी विश्वास रखिए, जिस तरीके परमेश्वर ने अनगिनत लोगों के जीवन में काम किया, उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। वो आपके घर को संभालने जा रहा है, वो आपके परिवार को संभालने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से कहें कि मेरा परमेश्वर आज मुझे संकट से छुड़ाने वाला है, और संकट के दिन मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं उस सच्चे परमेश्वर का गुणगान करता हूँ, उस सच्चे परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने संसार और सृष्टि को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्यों को बनाया और मुझे बनाया। मेरे घर परिवार में जो आज लोग हैं उन्हें परमेश्वर ने रचा और उन्हें जीवन दिया और उन्हें सांसें दी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं लग रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रार्थना करो और विनती करो, क्योंकि मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज हमें ज्ञान मांगना है, आज हमें बुद्धि मांगना है, आज हमें समझ मांगना है, आज हमें परमेश्वर से कहना है कि मुझे खुदा आशीष दे, मुझे बरकत दे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ या फिर मैं आपकी बेटी हूँ, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आगे राजा दाऊद ने इस तरीके से प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो परमेश्वर से राजा दाऊद ने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा है, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंसुएं यानी मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। यदि जिस दिन आप ये कहेंगे, उस दिन आपका विश्वास टूट जाएगा, उस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो अनेक प्रकार की बुरी भावनाएं आने लगेंगी कि परमेश्वर सब लोगों के जीवन में काम करता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं काम करता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है और जो आपसे बैरी हैं, जो आपसे बैर रखने वाले हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अपने अनुसार देख लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो। आज जो गिनती नहीं है कितने परमेश्वर के विद्रोह करने वाले लोग आज परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, लेकिन याद करिए सुलेमान के जीवन की घटना को, दानियल के जीवन को घटना को, दाऊद के जीवन की घटना को, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जो बाइबल के अनुसार चले और परमेश्वर उन्हें आशीष दी, बरकत दिया। हर प्रकार की मुसीबत से राजाओं ने नहीं लड़ा, परमेश्वर लड़ा। कौन लड़ा? परमेश्वर लड़ता है। तो आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ेगा, आज आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो और ध्यान दे करके सुनो कि मैं आज तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। आज हम चाहे जितने भी बड़े दुश्मन के साथ बन चुके हैं, आज हमारा बड़ा चाहे जितना बड़ा कोई दुश्मन बन चुका हो, चाहे हमारे घर के परिवार के रिश्तेदार या रिलेशन के अदरवाइज जो भी व्यक्ति हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने वाला है। वो आपकी तरफ से लड़ने वाला हर एक मुकदमा है, हर एक प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें उस खुदा पर विश्वास करना है या फिर अपने आप पर विश्वास करना है, आज हमें परमेश्वर विश्वास रखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने क्रोध को अपने अंदर दबा के रखो, अपने क्रोध को अपने अंदर दबा के रखो, अपने गुस्सा को अपने अंदर दबा के रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा क्रोध सबसे भयानक होता है। इंसान का क्रोध एक पल के लिए होता है मेरे प्रियो, और ये बात सत्य है। आज आप किसी बात को लेकर के क्रोधित हैं,
आप किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के यदि आज उससे बहुत नफरत करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल उससे आप बोल लेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ बैठेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा क्रोध हल्का सा होता है, एक पल के लिए होता है, लेकिन जब मैं क्रोध करता हूं तो पूरी सृष्टि कांपती है। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, धैर्य रखना है कि खुदा मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर आप हैं, मुझे सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत आशीष देगा, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा आज हमें आशीष दे, हमें छोपे दा, क्योंकि परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल, ईशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जे यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह
मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन,
आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला है। इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से इस मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ इस मसीह के नाम से। दूर इस मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।